नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में गत दिनों एक एनआरआई के विवाह समारोह में गोलियां चलाने वालों पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, पीड़ित परिवार प्रशासन से इंसाफ की लगाई गुहार। संगरूर पुलिस ने फूड ऑन व्हील्स वैन की शुरुआत, डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा होशियारपुर में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। और अब हलचल विस्तार से। राज्य में बिगड़ रही कानून व्यवस्था की बिगड़ रही स्थिति के मद्देनजर अब विदेशों में रह रहे एनआरआई परिवार भी पंजाब में आने से कतराने लगे हैं। गत दिनों अमृतसर बाईपास में निजी रिजॉर्ट में एक एनआरआई परिवार के विवाह समारोह के दौरान कुछ युवकों ने आकर गोलियां चला दिया। इस अफरा तफरी के दौरान एनआरआई परिवार ने उक्त युवकों पर जवाबी हमला किया और पुलिस ने उल्टा एनआरआई परिवार पर ही मामला दर्ज कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एनआरआई कमरदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने समारोह के लिए वैध तरीके से शराब खरीदी हुई थी, लेकिन कुछ अवैध शराब खरीदने का आरोप लगा रहे थे और समागम में आकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उनकी ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, लेकिन पुलिस ने फायरिंग करने वालों की जगह एनआरआई के चार रिश्तेदारों पर ही मामला दर्ज कर लिया, जिसके चलते परिवार ने इंसाफ ना मिलने पर प्रेस वार्ता कर चेतावनी दी है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेंगे और उसके बाद सीएम के निवास का घेराव करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 50-60 बंदे हथियारों के नाल लैंस हो गए, उन्हों को पिस्टल सीगे, दातर सीगे, हर चीज़ वो वीडियोज़ है, तुम सारे प्रोवाइड करा जी। उन्होंने आन दियाँ जान दियाँ उन्होंने आंद गाला कढ़निया शुरू करती, आंद उन्होंने फायरिंग करती। फायरिंग करने तो बाद असी साढ़े हथा जो सीगा भी फंक्शन असी समझा भी बीजेपी के नेता बहुत व्डे लीडर जोड़े आ उस अपने शिवसेना उन्होंने डैथ हुई कितने वो काम हो गया जी, हजूम पै गया सू साडिया जनानिया बच्चे जिथे थान सी उधर भज गए जी। ये तो बहुत तगड़ी है भी वो बच्चे कड़ाइया के डे पैन लगे ही, क्योंकि लागे कड़ाइया बहुत लगे हैं, गर्म कड़ाइया सगा बच्चों उधर रूम के वाड़ना रूम च सारा कुछ जो भी किया साढ़े हथा जो ही उन्होंने उत्ते उन्होंने अटैक करता वो पहाड़े के टटू ही जी वो साढ़े अगे लाके भज गए। उन्होंने जो भजे है जी उस बाद बहर चले गए, बाहर चल के उन्होंने अंदर पूरी गुंडागर्दी की आए भी उन्होंने पैर छेती उखड़ गए तो साढ़े तो कोई बहुता नहीं, जे उन्होंने ना उखड़ते तो उस वे साडा इन्ना क माड़ा नुकसान कर सकते, साडिया जनानिया के कपड़े पाड़ने ही होना जी। जिहड़ा उन्होंने किया जी जितों तक मैनू साढ़े ना कोई नहीं वेखो दसते नहीं सू कुछ सू कुछ नहीं दसन डे जी कुछ नहीं। जिहड़ा मैं कटवाया जी वो किया जी दोवें जिहड़े मुखबर के आधार पर करता उन्होंने जी आई पी सी 336 IPC 427 IPC 160 आर्म एक्ट 25 आर्म एक्ट दोवें ला के दोवें मुखबर के आधार से दोवें पार्टियां बना के मैं ठेकेदार तू ठेक अच्छा मैनू कमिश्नर साहब आते ठेकेदार से मैं जी ठेकेदार जिहड़ा बंदा हो किसी व्याह इनवाइटड नहीं हो सकता, ये जो कोई लॉ वा भी जिन्हें ठेके लले व्याह इनवाइटड नहीं हो सकता तो मैनू वो चीज़ दसो गां भी पता लगे कोई ना ठेकेदार हो जिन्हें ठेके लले व्याह इनवाइट ना करे। मुख्यमंत्री के शहर संगरूर में लगातार धरने चलते रहते हैं और बड़े लीडरों के आने के कारण स्पेशल ड्यूटी पर भी पुलिसकर्मी लगातार कई कई घंटे तैनात रहते हैं, जिस कारण उन्हें दोपहर के खाने के लिए परेशानी आती थी या कई बार ठंडा खाना भी खाना पड़ता था, जिसके चलते संगरूर पुलिस ने फूड ऑन व्हील्स वैन की शुरुआत की है। इस वैन की शुरुआत SSP से प्रमोट हुए DIG मनदीप सिंह सिद्धू ने हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस वैन के माध्यम से संगरूर में सड़कों पर या धरनों पर ड्यूटी करे पुलिसकर्मियों को ताज़ा और गर्म खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ये ना फूड ऑन व्हील्स है ना रखे वैन का, फूड ऑन व्हील्स का मतलब जिथे वक्ख वक्ख थावां ते बंदोबस्त ड्यूटी होंदी है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होंदी है, ये नाल नाल किसी प्रोटेस्ट के ड्यूटी होंदी है, कोई VIP ड्यूटी होंदी है, VIP ड्यूटी कोई VIP मेन फंक्शन रैली हो सकती है, कोई पोलिटिकल फंक्शन हो सकता, कोई रिलीजियस फंक्शन हो सकता, उहदे नाल नाल कोई प्रोटेस्ट की ड्यूटी होंदी है। उहदे विच बहुत सारे दिक्कत आउंदी सी भी असी कोई ना कोई जिहड़ा छोटा वहीकल लै लिया हायर कर लिया उहदे विचों एक फिक्स चीज़ां नहीं सी बनिया हुई भी खाना कित्थों प्लेट किन्ने लैवल ते चाहीदी है किस उह सोचदे सोचदे इत्थे सानूं पिछले टाइम के पिछले 6-7 महीनों के काफ़ी
ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਅੱਠ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੋਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਆਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੌਂਕ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਭੋਗ ਡਾਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥੋ ਔਰ ਸਤਰੀ ਸੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨੋਂ ਸੇ ਜੋੜਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁਖਯ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁਖਯ ਅਤਿਥੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਭਾਟੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਚਿਵ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਬਾਬਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਭਾਟੀਆ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖਿਆ ਭਕਤਜਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਆਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੌਂਕ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੁਆਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੌਂਕ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕੌਂਸਲ ਸਭਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਲਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਭਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਮੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਕੀ ਅਸਥਿਓ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੇ ਨੇਤਾਓ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨੋਂ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਨੇ ਉਨਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸੂਰੀ ਔਰ ਬੇਟੇ ਮਾਨਿਕ ਸੂਰੀ ਤਥਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇ
गोलीबारी के दौरान शिवसेना नेता सुधीर सूरी की जान चली गई थी। जब गत रात्रि सुधीर सूरी की अस्थियां लेकर उनका परिवार हरिद्वार जा रहा था तो रास्ते में जलंधर रामा मंडी में सुधीर सूरी को सलामी देने के लिए शिवसेना नेता और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह इस इंसाफ की लड़ाई में हमेशा ही परिवार के साथ खड़े हैं। इस दौरान जलंधर पुलिस की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए थे। शाम 6 बजे से हिंदू जथेबंदियों के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए थे, जबकि सूरी परिवार रात्रि 8 बजे अमृतसर से जलंधर पहुंचा। जलंधर से हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सूरी साहब का छोटा ब्रदर हरिद्वार जा रहे हैं, कल उत्थे विसर्जन किया जाएगा और विसर्जन करने तो बाद फिर अमृतसर की वापसी हुई। हाँ सर, जिते तक गल करिए परिवारिक सदस्य हली भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक्चुअली जो भी होया तुहाडे सामने होया और इंसाफ इस करके मंगया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह का नाम दर्ज करने वास्ते जो असी दिती है उसकी इनक्वायरी चल रही है और उस तो बाद हुण जो लेटेस्ट है कि परिवार के मैंबरां नूं ही धमकियां मिलनिया शुरू हो गई ने, जिदी फुल डिटेल कॉल्स पुलिस नूं दिती गई है विदेशों तो, हुण उहदे वास्ते बाद देखते हैं कि पुलिस की करती है। हुण परिवारिक सदस्यों नूं की धमकियां मिल रही हैं ते किहदे वल्लों मिल रही हैं? जिन्हें भी फॉरन तो कॉल्स आदि ने आतंकवादियों वालों कि सूरी नू टपकाता है, हुण तुहाडी वारी है, कुछ ऐसा दे चीप लैंग्वेज यूज करके धमकियां दित्तिया जा रही, जिहड़े लोगों नू धमकियां दित्तिया जा रही हुण पुलिस प्रशासन वालों उन्हां नू प्रोटैक्शन दित्ती जा रही, बुलेट प्रूफ जैकटा दित्ती गई होणगियां, सानू तो अजे तक नहीं मिलियां। मगर जो सुधीर सूरी नू थर्ड किया जा रहे थे उन्हां वल्लों उन्होंने पुलिस प्रशासन नू कई बार इन्हां दा अगाह भी किया गया सी। देखो तुसीं उन्हें एक जिक्र किया कि जैकटा दित्तिया गई हैं, तो मैं कहना चाहवागा कि जिस इंसान को चाहिए सी जिन्हों वास्ते किन्नी वारी असी एक रिक्वेस्ट भी पाई सी कि बहुत ज़्यादा खतरा है उन्होंने जैकेट्स दित्तियां जान, लेकिन अज तक उन्होंने जैकेट मिली नहीं। जे जैकेट होंगी तो जिहड़े उन्होंने ऑर्गन जिन्हां ते बुलेट्स लगियां ने अज वो तुहाडे इत्थे खड़े होंगे। सर्दी का मौसम शुरू हो गया और मौसम ने अभी से करवट लेनी शुरू कर दी है, जिसका ताज़ा उदाहरण नाभा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां सुबह काफ़ी कोहरा देखा गया। कोहरे के कारण लोगों को दिन में वाहनों की लाइटें जलानी पड़ी। पहले कोहरे से जहां लोग खुश नजर आए, वहीं लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि कोहरे से उन्हें आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, दिन में लाइट जगाकर ही उन्हें अपने काम पर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोहरे में आवारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए प्रशासन को आवारा पशुओं का ध्यान अभी से रखना चाहिए। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। धुंध का पहला दिन आ, जो धुंध बहुत पई है, अद्धा किलोमीटर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अज धुंध ने दस्तक दे दी है सर्दी की, अज लाइटा ला के भी अगे कुछ नहीं दिख रहा जी, बहुत नजायज धुंध पई। अज पहली धुंध आई पिंडों आए हैं, कुछ नहीं मूहरे दिखता जी, फिर भी शहर च कुछ हालात ठीक ने, पर ऑन रोड पिंड रोड कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पहली सर्दी की धुंद ही है, अगे अगे हालात एदो खराब हो सकते हैं। अमृतसर में गत दिनों शिवसेना टकसाली के नेता सुधीर सूरी को सरेआम गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। सूरी का कत्ल करने वाला व्यक्ति अमृतधारी था और कहा जा रहा है कि उस नौजवान को कुछ दिन पहले ही अमृतपाल सिंह की ओर से अमृत छकाया गया था। वहीं सुधीर सूरी की मौत के बाद ये मुद्दा लगातार ही गर्माता दिखाई दे रहा है। हिंदू भाईचारे में इस घटना को लेकर रोष देखने को मिल रहा है। वहीं दैनिक सवेरा और हलचल से खास बातचीत करने के उपरांत बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित तनेजा ने अमृतपाल सिंह पर कई निशाने साधे। अमित तनेजा ने कहा कि अमृतपाल लगातार पंजाब का माहौल खराब कर रहा है, अक्सर ही विवादित बयान देकर अमृतपाल हिंदू और सिख कौम के बीच फूट डालने का काम कर रहा है। इसके साथ ही अमित तनेजा ने कहा कि अमृतपाल उसके साथ किसी भी मंच पर अभिभाषण कर ले, अगर वह उस अभिभाषण में हार जाते हैं तो अपना राजनीतिक जीवन छोड़ने के लिए तैयार है। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जिहड़ी भी ये मंदभागी घटना अमृतसर दे विच हुई है, इहदी जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है। देखो किसी की कोई गलती है, किसी का कुछ भी है, उन्हू देखने वास्ते कानून है, ये तालिबान नहीं है। मतलब जिस तरह के नाल बेरहमी के नाल पुलिस की मौजूदगी दे विच सुधीर सूरी का कतल होया, वाकई पंजाब के वर्तमान वास्ते भी चिंता का विषय है, तो भविष्य वास्ते बहुत कोर चिंता का विषय है। जिदा सुधीर सूरी नूं जिन्हें गोलियां मारियां सी
ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਤੋੜਫਾੜ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਕੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਭੇਜਣਾ 21,000 ਦਾ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਗੋਟੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਕਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਛੋਟੀ ਅਯੋਧਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸ਼ਿਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀ ਔਰ ਪਵਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਪਾ ਚਮੇਲੀ ਔਰਕਿਡ ਗੇਂਦਾ ਪੁਦੀਨਾ ਕੀ ਮਾਲਾਓਂ ਸੇ ਸੁਜਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਔਰ 56 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅੰਤ ਮੇਂ ਭਵਯ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਰੁਣ ਬਾਂਸਲ, ਵਿਨੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਸਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਗੋਪਾਲ ਮਾਲਪਾਨੀ, ਅਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਲਲਿਤ ਮਿੱਤਲ, ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਅਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖਿਆ ਭਗਤ ਜਨ ਮੌਜੂਦ ਥੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਭੋਗ ਡਾਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਭਾਈ ਲਖ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਔਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨੋਂ ਸੇ ਜੋੜਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੋਸ਼ਾਧਿਅਕਸ਼ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ,
सचिव सुखविंदरपाल सिंह, भाईजादा जगजीत सिंह राणा, भूपिंदर सिंह बेदी, हरविंदर सिंह नागी, सीए कुलविंदर सिंह, नरेंद्र सिंह सैनी, जसविंदर सिंह मनचंदा, सोहन सिंह जीता, सतविंदर सिंह सोडी, बलबीर सिंह मठारू, दलबीर सिंह मनचंदा, गुरदेव सिंह कलसी, गुरमेल सिंह सैनी, सोहन सिंह संघेड़ा, कमलजीत सिंह बेदी, हरजीत सिंह भाईजादा, बाबा गुरचरण सिंह, अमरीक सिंह पनेसर, चतर सिंह और जंग बहादुर सिंह सहित असंख्य संगत मौजूद रही। अंत में आई हुई संगत में गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। जलंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। उस तो बाद कीर्तन कथा विचार गुरबाणी सरवण करवाई गई। उस तो उपरंत गुरु के लंगर टुट वरताए गए। मैं जिथे इंडस्ट्रियल एरिया अते आस पास की दादा कलोनी शिवनगर की संगत को लख लख मुबारकबाद दिता हाँ। उत्थे दैनिक सवेरा चैनल अते हालचाल टीवी का धन्यवाद करता हाँ। शीतल विजित जी का धन्यवाद करता हाँ जो कि साढ़े विचार संगतां तक पहुँचाते हैं। मैं इंडस्ट्रियल एरिया गुरुद्वारा तरफ दी तरफ तो समूह नानक नाम लेवा संगत नु गुरपुरब दी लख लख मुबारकबाद दिंदा हां। श्री कृष्ण संकीर्तन मंदिर सैदा गेट जालंधर में तुलसी विवाह का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव से किया गया, जिसमें वर पक्ष की भूमिका रामपाल और नीतू मेहरा ने निभाई, जबकि वधु पक्ष की भूमिका सुमित मदान और कोमल की ओर से निभाई गई। इस मौके पर पंडित आदित्य प्रकाश शुक्ला, पंडित प्यारचंद शर्मा ने तुलसी विवाह की रस्में विधिवत ढंग से मंत्रोच्चारण सहित कार्रवाई। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरबंस लाल, अशोक सोपती, राजकुमार शर्मा, सुमेश कुमार, बाबूलाल नत्थूलाल, गोपाल वीर, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान इंदु शर्मा, आशा नीतू, रेखा डॉली, मीनू हीना, शिखा रीटा, गीता संगीता, कौशल्या सोनम, राज महक, मीनू आरती, संतोष कमलेश, दिव्या शोभा, आदिश सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हालचाल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। Yeah.
संगठन था, स्त्री सत्संग सभा की तरफ से था, श्री कृष्ण संकीर्तन मंदिर सोसाइटी रजिस्टर्ड सैदा गेट जालंधर शहर, तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में सभी माताओं बहनों की तरफ से विशेष कीर्तन और वृंदाजी शालिग्राम तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह इन माताओं ने बड़ी विधि के साथ मिलनी भी करवाई, मेहंदी की रस्म भी करी और बड़ी विधि के साथ कन्यादान भी किया। कन्यादान होने के बाद भगवान की सब संगत ने मिल करके आरती उतारी, आरती के बाद भगवान का प्रसाद का भोग लगा और सारी संगत में वितरित किया गया। ये सारा श्रेय हमारी स्त्री सत्संग सभा मंदिर श्री कृष्ण संकीर्तन मंदिर सोसाइटी रजिस्टर्ड सैदा गेट को जाता है कि इन माताओं में बड़ा उत्साह, बड़ी हिम्मत है जो इन्होंने बड़ी विधि के साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ किया, जिसमें कि हमारी एक बहुत पुरानी संगत में रीटा नागपाल है और नई नई संगत में एक इंदु शर्मा है, बाकी सभी ने साथ दिया, तब जा कर के ये कार्य बड़ी विधि के साथ संपन्न हुआ। श्री कृष्ण मुरारी मंदिर से तुलसी माता जी का ब्याह बहुत धूमधाम का मनाया गया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्सा से इंदु शर्मा जी का और उन्होंने सारे साथी ने मिल के अज माता का गुणगान किया। तुलसी माता का ब्याह बहुत विधि पूर्वक होया, लंगर भी वरताया गया और सारे बहुत बहुत बधाई होवे इस तुलसी माता के ब्याह। अज सादा गेट किशोर मुरारी मंदिर के श्री वृंदा वृंदा देवी का ब्याह बहुत धूमधाम ना मनाया गया है। शालीग्राम जी ने बरात लैके आए हैं, रामने भाजी और नीतू मेहरा वालों वर पक्ष दिया रस्म अदा की गई हैं, तो श्रीमती कोमल और श्रीमान सुमित मदान इन्हों वालों वधु पक्ष दिया रस्म अदा की गई हैं। लड़की वालों वधु पक्ष हो गए, हाँ जी, तो उन्होंने वालों सारी रस्म बड़ी धूमधाम ना की गई हैं। सारी संगत ने साथ दिता मिल के, इस करके मंदिर के बहुत ज़्यादा रौनक लगी है। सारी संगत ने बहुत बहुत बधाई वृंदा देवी शालीग्राम देवी। देश विदेश में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व जहां बड़ी धूमधाम से मनाया गया, वहीं फरीदकोट के गुरुद्वारा साहिब बाबा नामदेव में भी श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पूर्ण सत्कार एवं श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर श्री हरमंदिर साहिब के हजूरी रागी भाई बख्शीश सिंह और बाबा नामदेव गुरुद्वारा साहिब के रागी जत्थों ने कीर्तन द्वारा संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। कथावाचकों ने गुरु महाराज की जीवनी पर प्रकाश डालकर संगत को निहाल किया। इस मौके पर गुरुद्वारा बाबा नामदेव के मैनेजर और सेवादार इंद्रजीत सिंह खालसा ने बड़ी संख्या में पहुंची गुरु की संगत को और पूरे देशवासियों को गुरु पर्व की बधाई दी। इस अवसर पर हजारों की संख्या में संगत ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। अरदास उपरांत संगत में गुरु घर का अटूट लंगर बांटा गया। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। आज गुरुद्वारा साहिब बाबा नामदेव जी फरीदकोट विखे धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया। इसके संबंध में पातशाह के रूप में श्री अखंड पाठ साहब आरंभ हुए, जिन्हों के अज भोग पाए गए। इस उपरांत गुरु के लंगर लाए गए। सारिया संगतान धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की लख लख बधाई हो। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव गुरद्वारा बाबा नामदेव जी विखे बड़ी श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। ये प्रकाश कला भारत पंजाब फरीदकोट विच नहीं बल्कि सारी दुनिया विच मनाया जा रहा है। आर एस माज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन आर एस माज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य यजमान राजीव कुंद्रा और रेणु कुंद्रा ने पवित्र पावन यज्ञ में आहुतियां प्रदान किया। आर एस माज के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य पंडित जयप्रकाश शास्त्री ने मंत्रोच्चारण सहित यज्ञ संपन्न करवाया। आर एस माज के प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती, गायक रवि पोडवाल, सुरेंद्र सिंह गुलशन ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध किया। आर एस माज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर एस माज के प्रधान रंजीत आर्य ने सभी का धन्यवाद किया। यज्ञ के उपरांत लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना, सुनीत भाटिया, डिंपल भाटिया, ओम प्रकाश मेहता, अश्विनी डोगरा, ईश्वर चंद्र रामपाल, रहमत भाटिया, रूहानी भाटिया, भूपेंद्र उपाध्यक्ष, पुष्पा देवी, अमरनाथ, कुबेर शर्मा, पूनम मेहता, गौरव आर्य, पवन महाजन, कृष्ण कुमार सूद, ऋषु सूद,
ललित मोहन कालिया, कुमार गौरव और गौरव मेहता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। कहते हैं जो कुछ हम खाते हैं उसका जो स्थूल भाग है वो मल बनता है, उसका जो मध्यम भाग है उससे हमारा शरीर बनता है, और जो उसका सूक्ष्म भाग है वो क्या बनता है? मन बनता है। इसलिए जो है हमारा अन्न शुद्ध होना चाहिए, तभी जो है हमारा मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा हमारे विचार शुद्ध होंगे। वाणी की वहां सनत कुमार जी ने कहा ना नारद मुनि को, वाणी की महत्ता, वाणी भी तभी अच्छे निकलेंगे जब हमारे मन, वाणी में जो कुछ मन में विचार आएगा हम वाणी से उसका प्रकटाव करते हैं। अभी मन की बात हो रही थी, मन क्या है विचार करें, मन की गति बहुत तेज है। हम यहीं बैठे बैठे विचार करते हैं कि मैं आज से 40 वर्ष पूर्व प्राणी पलट रहा हूँ। वैसे कहूँ कि अभी मैंने अभी मेरे सामने लव बैठा है, इसे पूछूँ कल सुबह क्या खाया, कल दोपहर को क्या खाया था, भूल जाएगा। परमात्मा ने इतनी शक्ति नहीं दी, ये मन की इतनी वो कई बार सोचते हैं, फिर पत्नी से पूछेगा अरे कल क्या बनाया था। जलंधर के NIT में BTech फाइनल ईयर में पढ़ रहे वाराणसी के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगा लिया। कमरे से एक डायरी मिली है जिसमें लिखा है कि वह अपनी मजबूरियों के चलते आत्महत्या कर रहा है, इससे किसी का कोई दोष नहीं है। छात्र के सुसाइड नोट से हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी सदमे और तनाव में। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी के वाराणसी के सीतोपुर की जादू मंडी का निवासी पंकज केसरी यहाँ NIT में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना मकसूदा के SHO मंजीत सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं देर रात छात्र के परिजन भी वाराणसी से पहुंच गए हैं। उन्होंने बेटे का कमरा खुलवाकर देखा। मृतक के पिता दुर्गा केसरी ने कहा कि वह हैरान है कि पंकज ने खुदकुशी क्यों कर ली। उन्होंने बताया कि पंकज काफी हसमुख था और योगा एक्सपर्ट भी था। कॉलेज प्रबंधकों का कहना है कि पंकज पढ़ाई में अव्वल था, स्वभाव का भी अच्छा था, आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। आत्महत्या का कारण किसी को समझ नहीं आया। थाना मकसूदा पुलिस ने छात्र के सहपाठियों के बयान भी कलमबद्ध किए हैं जिसमें उनका कहना है कि पंकज केसरी बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक से क्या हुआ वह भी अनजान है। DSP सुरेंद्र धोगड़ी ने बताया कि छात्र की डायरी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मान समेत कमरे को कॉलेज प्रबंधन ने सील कर दिया है। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये 3 साल सर यहाँ पढ़ा था, 4 से 3 पारी फाइनल था उसका। अभी क्या बात है, आपको फोन आया किस बात? फोन हमको यहाँ से 4 दिन पहले भी लड़का 1 तारीख को यहाँ आया था, यहाँ पर घर पर गया था। दीपावली 1 तारीख को यहाँ था, हमारे यहाँ संडे के 8 बजे रात को फोन गया यहाँ से कि हम आपका लड़का को अस्पताल ले जा रहे हैं, आपके लड़के की हालत ख़राब है, चले आइए। बस हमको वहाँ तुरंत दुकान वकान बढ़ाए, यहाँ चले आए, यहाँ आके देखे तो लड़के को कथुआ में रखे SEO में। क्या कारण है, क्या मानते हो कि क्या कारण है उसकी आत्महत्या? अब उसके लिए कोई काम को घर से कोई कभी कोई परेशानी बताई? कोई परेशानी नहीं बताई थी, घर से हर चीज़ आजाद है सर, कोई दिक्कत नहीं है उसको। कॉलेज की तरफ से फीस का कोई ऐसा काम? फीस उसके लिए हर उसके अभी खाता में देखेंगे पैसा होगा। कोई पढ़ाई का मामला कुछ को आप पढ़ाई के लिए अब वही बता सर, पढ़ाई के लिए हम क्या बताए, पढ़ने वाले बताएंगे हम क्या करते हैं क्या। हाँ उसकी लिखाई से, हाँ उसकी लिखाई, उसकी लिखाई से, उसकी लिखाई से अंतर है। जो भी उसको हो आप लोग सोच सकते हैं, पढ़े लिखे तो नहीं हम बताएंगे, हम नहीं पढ़ाएं, खाली बच्चों को पढ़ा दे, पढ़ लेगा थोड़ा आगे भी जागेगा। एक लड़का हैगा है पंकज केसरी, वो हॉस्टल नंबर 7402 च रहा है, जिसने जरा कोई गल च फंदा वगैरह लगा के ते अपना जीवन लीला खत्म कर ली। तो सानू ये सिविल अस्पताल जो पहुँच के इन्हों का फोन आया करीब 8 बजे के करीब इन्ह। हाँ जी, कारण अजय जे मौके के हालात है वो मुताबिक तो इन्हों का सुसाइड ही लगता है। कोई बच्चे जोड़े पढ़ते है कले रेंदे कले कले रूम च, इन्हों का माइंड किस तरह का आ, ये किस तरह मतलब अपने आप उन्हें बेचारे ने फील किया ते उन्हें अपने आप नू मतलब कर लिया। सुसाइड मिलिया हैगा पर उन्हें किसी नू मतलब दोषी नहीं ठहराया हैगा,
वो कहिंदा भी मैं अपनी जिहड़ी जिंदगी है वह तो मतलब हार गया हैगा जिहड़े जो मैं करना चाहुंदा सी वह मेरे को नहीं हो सकिया। चंडीगढ़ बाईपास पलाही गांव के नज़दीक देर रात एक थार गाड़ी हादसा ग्रस्त हो गई जिसमें 3 लोग सवार थे जिसमें से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे उपचार हेतु फगवाड़ा के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया जहाँ लड़की की हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति फगवाड़ा के नजदीक एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे कि प्लाही गांव के नजदीक यह हादसा हो गया। मृतकों की पहचान अर्श और शिवानी के तौर पर हुई है जबकि घायल लड़की की पहचान चेतना के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मामले का रात 11:30 बजे के एक्सीडेंट हुआ मोहाली तो का आ रही थी थार गड्डी उस 3 जने सवार सके अर्श शिवानी तो चेतना लड़की सी उत्थे पलाही पुल तो अगे जा के गड्डी दे पता नहीं शायद कोई अगे आ गया ओवर कंट्रोल हो गया गड्डी तो पलट गई तो उस दोवों की डैथ हो गई अर्श की तो शिवानी की तो चेतना DMC रैफर करती है जी। सारे कितने के रहने वाले कुछ पता चले मोहाली हाँ जी मोहाली चंडीगढ़। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर में गत दिनों एक NRI के विवाह समारोह में गोलियां चलाने वालों पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई पीड़ित परिवार प्रशासन से इंसाफ की लगाई गुहार। संगरूर पुलिस ने फूड ऑन व्हील्स वैन की शुरुआत DIG मनदीप सिंह सिद्धू ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा हुशियारपुर में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।